आशीष थैंक्स सो मच. वी जस्ट हियरिंग ममता बनर्जी स्पीक. लेट्स लिसन. हमारे उधर में भी 2.5 लाख टी गार्डन वर्कर्स है, मजदूर है. असम में भी है, लेकिन मजदूर लोग सब रास्ता में है. रोड ब्लॉकेट करके नेशनल हाईवे 13-31 बैठा है कि वो लोगों का मजदूरी सब बंद हो पड़ा है. 15 दिन से जो हमारा बीड़ी वर्कर है पूरा मजदूरी बंद होकर पड़ा है. जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो 100 दिन काम का जो लोग है, ये लोगों को कैसे हैंडल होता है. जो उसको अल्प थोड़ा थोड़ा सैलरी मिलता है कैश में ही होता है. ये लोगों के पास कुछ नहीं है कि हमारा देश में अभी भी बहुत सारे हजारों हजारों गांव है जिसमें कोई पोस्ट ऑफिस और बैंक नहीं है. हमारा स्टेट में आई कैन गिव यू द करेक्ट फिगर्स. व्हेन वी केम इन 2011 एट दैट टाइम इट वाज अबाउट 800 एरियाज वेयर नो बैंकिंग सिस्टम और नो पोस्ट ऑफिस इज देयर. सो विद इन दिस इयर्स आफ्टर सो मेनी रिक्वेस्ट एंड वी हैव गिवन ओनली 1 रुपीज the space for this banking sector on this. 100 has been done, but out of 800, 700 areas, there is no banking system or the post office. Where the people will go? Where they will deposit the money, where they will get the money? That is main problem. Even for that reason, the national youth workers, ye log rasta mein hai, khana nahi mil raha hai. Ye hamara tribal worker hai, garib hai, isko paas kuch nahi hai, ghar mein bhuka marte hai. हम उसको चावल देते हैं, लेकिन खाली चावल से तो नहीं होगा. थोड़ा तो सब्जी खरीदना पड़ेगा, जिंदगी बिताना पड़ेगा. कुछ नहीं है. बीड़ी वर्कर है, हमारा जूट इंडस्ट्री का मजदूर है, बहुत सारे कारखाना का मजदूर है, चाहे 100 दिन का काम का मजदूर हो, चाहे किसान हो. कोई हॉस्पिटल में भी जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में. हमारा स्टेट में देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम लोग फ्री में करते हैं, पूरा फ्री मेडिसिन, फ्री बेड इज अलाउड इन माय स्टेट, बट इट इज नॉट अलाउड इन अदर स्टेट. So where they'll go? Where they'll purchase their medicine? How to do it? ऐसा बहुत सारे चीजें अभी तक नहीं हुआ. दूसरी बात यही हुआ, सरकार क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है. इसको खिलाफ में आवाज उठाना भी जरूरी है. सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेक्टर है, मैंने पहले भी बोल चुका, रेलवे ओल्ड नोट्स आर अलाउड, सिविल एविएशन अलाउड, बैंकिंग सेक्टर, द सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर इट इज अलाउड. बट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जिसको किसान को निर्भर करके करता है, किसान को लेन देता है, जो खेती बनाते हैं, जो खेती तैयार करते हैं, पूरा बंद कर दिया, पूरा बंद करके रखा. एग्रीकल्चर सेक्टर इज टोटली डैमेज्ड, रूरल सेक्टर इज डैमेज्ड, द अर्बन सेक्टर आर कॉन्स्टिट्यूशनल दिस सॉरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज टोटली डैमेज्ड. हमारा देश में 2-3 महीना कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, चाहे रेल प्रोजेक्ट हो, चाहे एविएशन प्रोजेक्ट हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे रास्ता हो, 3 महीना दिसंबर जनवरी फरवरी तक अच्छा से काम होता है. 9 महीना में कभी बारिश होता है, कभी बाढ़ होता है, नहीं होता है. अभी देखो जो ईयर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टाइम पूरा कंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पूरा रुक गया है, कुछ नहीं हो रहा है. अगर आप देखे डॉलर का भाव भी कितना कमती हो गया है. आज सुबह में मैंने देख रहा था कि 39 मंथ्स में कभी ये नहीं हुआ है, जीडीपी लॉस्ट हो गया है. अब देखो नेक्स्ट टाइम आएगा, नेगेटिव आएगा. देश के लिए इलेक्शन क्यों किया है? हमारा जो प्रोग्राम था हमने कर दिया, कल अपोजिशन भी एक साथ में किया. 28 तारीख लोगों ने प्रोग्राम अनाउंस किया, करने दो. हम भी 28 तारीख को कलकत्ता में रैली करेंगे, हम 29 को हम लखनऊ में रैली करेंगे, हम भी 30 को पटना में, उधर में नसिक में हम भी रैलिंग करेंगे. उसको बाद हम फिर पंजाब जाने के लिए तैयार करेंगे, पंजाब गुजरात आहिस्ता आहिस्ता. ये लड़ाई जारी रहेगा, ऑपोजिशन ने इसको लड़ाई जारी रहेगा. देखो पार्लियामेंट परफॉर्मेंस, माय पार्टी वांट्स टू कोऑपरेट ऑल बिकॉज दिस इज अ बिग इशू. सो एवरीबॉडी विल गिव देयर ओपिनियन एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डू इट. पार्लियामेंट्री पार्टी इज देयर बट पार्टी इज ऑल्सो देयर. मनमोहन सिंह बोलते थे प्लीज एनी कॉमेंट्स रिगार्डिंग शासक পক্ষ ব্রেক করার চেষ্টা করে, এবারেও তাই চেষ্টা করছে. দ্যাট দিস ইজ দ্য পলিসি অফ দ্য গভর্নমেন্ট অলওয়েজ, দে ওয়ান্ট টু ডিভাইড এন্ড রুল. ফর আস ইট ক্যান নট বি বিকজ উই নো দ্য থিংস, উই আর ভেরি প্র্যাকটিক্যাল, উই আর ফ্রম দ্য গ্রাসরুট, উই ডোন্ট অ্যালাউ দিস. আদার শুড অলসো মেনটেন দ্য সেম থিং, দেন ইট উইল বি অল রাইট. ম্যাম পাঞ্জাবে আজকে আপনাদের জগজিৎ সিং ব্রাহারকে সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হলো, তো আপনারা কি আম আদমিকে সঙ্গে যে আপনারা ওইখানে দেখো আই এম নট ডিসকাসিং অ্যাবাউট দ্য ইলেকশন স্ট্র্যাটেজি রাইট নাও.
पंजाब में हम रैली करेंगे, ब्रार हमारे साथ है और सारे बहुत सारे आदमी है और इज ऑर्स इज ऑल्सो द नेशनल पार्टी, वी हैव गॉट द रिकॉग्निशन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑल्सो।